दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। देश की जनता महंगाई की मार से बेहाल है और रोटी पानी से लेकर दूध चाय के लिए भी मोहताज है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ और मारामारी का नजारा अब आम हो चुका है। ये हालात सुधरने की बजाय कल से और बिगड़ने वाले हैं। दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है और नई कीमतें कल 17 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार श्रीलंका की तरह ही लगभग खाली हो चुका है। बीते सप्ताह ये गिरकर 3 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच गया। यानी साफ शब्दों में कहें तो देश को चलाने में ये एक महीने के लिए भी काफ़ी नहीं है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों के आयात तक के लिए पाकिस्तान असमर्थ हो चुका है। इसके चलते देश में महंगाई ने कोहराम मचा दिया है। बीती 29 जनवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी और पेट्रोल 249.80 प्रति लीटर जबकि डीजल 262.80 प्रति लीटर पर पहुंच गया था। अब इसमें फिर से इजाफा करने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल का दाम 272 रुपये प्रति लीटर। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 22.20 रुपये की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसके बाद देश में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही हाई स्पीड डीजल का दाम 17.20 रुपये बढ़ गया है जिसके बाद ये अब 280 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा लाइट डीजल 196 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि केरोसिन के भाव में भी 12.90 रुपये की बढ़ोतरी का सरकार ऐलान कर चुकी है जिससे इसकी कीमत 202.73 रुपये प्रति लीटर हो गई है। नई कीमतें 16 फरवरी 2023 की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। यहां बता दें कि पाकिस्तान में बीते 20 दिनों के भीतर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 57 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इससे पहले जनवरी के आखिरी में की गई बढ़ोतरी के तहत सरकार ने इनके दाम 35 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे। वहीं अब 22 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमतों ने भी पाकिस्तान के लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत में 112% की बढ़ोतरी के फैसले पर अपनी मोहर लग गई है। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतें 29% तक बढ़ा दी गई हैं और नई कीमतें 1,650 रुपये प्रति MMBTU तय की गई है। देश में महंगाई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी महंगी कीमतों में मिल रही हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।